रिलीज हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक। कुछ कुछ होता है कभी अलविदा ना कहना, ऐ दिल है मुश्किल से लेकर माय नेम इज खान जैसी ढेरों शानदार फिल्में बनाने वाले करण जौहर का 25 मई को हैप्पी बर्थडे है, वो 51 साल के हो गए हैं। इसी के साथ उन्हें बॉलीवुड में 25 साल भी हो गए हैं। इस शानदार जर्नी में वह एक और चांद लगाने जा रहे हैं। उनकी नई निर्देशित फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का इस खास मौके पर फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। ये पोस्टर है इस फिल्म की लीड स्टार कास्ट रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का। वेल गाइस, आपको बता दूं कि बर्थडे के साथ साथ करण जौहर अपनी सिल्वर जुबली भी मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी नई डायरेक्शन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के पोस्टर्स रिलीज किए हैं। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। बताया जा रहा है कि करण जौहर कभी खुशी कभी गम के बाद अब ऐसी फैमिली ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं जो दर्शकों को गुदगुदाई की भी और रुलाई की भी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के लुक की बात करें तो रणवीर रॉकी के रोल में तो आलिया रानी के रोल में है। रणवीर का लुक तो बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा है, तो वहीं आलिया भी माथे पर बिंदी लगाए काफी स्वीट लग रही है। आलिया और रणवीर के पोस्ट पर कई फैंस ने कमेंट्स भी किया है, तो कुछ ने इसकी तारीफ की तो कुछ ने इसे लेकर कयासबाजी भी की है। एक फैन ने लिखा, रणवीर तो अपना ही लुक निभा रहे हैं, वहीं एक ने लिखा ये तो छपरी लुक है, तो एक यूजर ने लिखा ये निब्बा निब्बी की लव स्टोरी लग रही है। हाल ही में करण जौहर ने अपनी 25 साल की जर्नी को एक वीडियो के जरिए दिखाया, जहां अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह से लेकर तमाम स्टार्स की झलकियां शेयर की गई थी। साथ ही उन्होंने अपना अनुभव बताया कि इन सालों में उन्होंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ हासिल किया है और काफी जिया है। बात करें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की तो ये 28 जुलाई 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के अलावा शबाना आजमी, धर्मेंद्र और जया बच्चन जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले हैं।